12 घंटे में यूएस का बेस्ट सेलिंग बुक बना प्रियंका का मेमोयर अनफिनिश्ड एक्ट्रेस ने लिखा। उम्मीद है आपको बुक पसंद आएगी। प्रियंका चोपड़ा की माने तो उनका मेमोयर अनफिनिश्ड महज 12 घंटे के अंदर यूएस में बेस्ट सेलिंग बुक बन गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 12 घंटे से भी कम समय में हमें यूएस में नंबर वन बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बुक पसंद आएगी। इससे पहले शुक्रवार को प्रियंका ने बुक का कवर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, मैंने इस मेमोयर का नाम सालों पहले तब रख दिया था जब इसे लिखना भी शुरू नहीं किया था। 20 साल से पब्लिक पर्सन होने के नाते मेरे पास एक लंबी लिस्ट थी जिसे मुझे व्यक्तिगत और पेशेवर तरीके से जांचना था कि मैं कितनी अनफिनिश्ड हूँ। लेकिन मेमोयर लिखने में फ़नी चीज़ ये है कि आपको चीज़ों को अलग तरीके से देखना होता है। इतनी सारी चीज़ों को समेटने के समय मैंने महसूस किया कि अधूरा होना मेरे लिए गहरा अर्थ है, और हकीकत में ये मेरी ज़िंदगी के ज़्यादातर आम चीज़ों में से एक है। इससे पहले प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक कई वीडियो शेयर किए थे और कैप्शन में लिखा था, हर मेरी कहानी। वीडियो में प्रियंका के बचपन से लेकर मिस वर्ल्ड बनने और फिर बॉलीवुड में संघर्ष कर अपना मुकाम बनाने के बाद हॉलीवुड तक के सफ़र को दिखाया गया। वर्क फ्रंट की बात करें तो बॉलीवुड में प्रियंका को आखिरी बार द स्काई इज पिंक में देखा गया था। प्रियंका इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी। फिल्म में उनके अलावा फरहान अख्तर और जायरा वसीम की भी अहम भूमिका थी। ऐसी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी खबरें देते रहें।